वो अल्लाह की मदद से शाम, उस तरह के अस्कार में सुबह आयतुल कुर्सी पढ़ना है, शाम आयतुल कुर्सी पढ़ना है। और आयतुल कुर्सी वो है कि जिसको अगर पढ़कर सोते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की, हमारे माल की हिफाजत का जामिन अल्लाह, शैतान ने सिखलाया था। चीज हज़रत अबू हुरैरा को बहुत लंबा वाक़या आपने सुनी होंगे, आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल में ये चीज़ जिक्र की जाती है। 3 दिन तक आकर शैतान इंसान के भेष में आकर माल चुरा रहा था। आखिर एक दिन हज़रत अबू हुरैरा बहुत ही ज़्यादा जागते हुए उसको पकड़ लिए। शैतान था, इंसान के भेष में आया था। उसने कहा कि हर दिन पकड़ रहे थे फिर छोड़ रहे थे। वो कहता हर दिन पकड़ते बता कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझको छोड़ दो, मेहरबानी होगी, माल भी तो माल गनीमत है, मुसलमानों का माल है, तुम्हारा तो माल नहीं है। इस तरीके से कुछ ना कुछ बहाना बनाता। तीसरे दिन कोई बहाना नहीं बन पाया तो उसने कहा कि एक चीज़ सिखाता हूँ, अगर तो तुम मुझे छोड़ दोगे। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि हाँ। तो उसने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, तो फिर उस दिन ना दुनियावी आफत तुम पर आएगी, ना उखरवी आफत, ना दुनियावी आफत चोरी वगैरह के लिहाज से, ना किसी तरह की और कोई बाकी नहीं आफत आएगी। बिल्कुल तुम महफूज रहोगे। शैतान और शैतानी लोग तुम्हारे माल, तुम्हारे घर, तुम्हारे औलाद से बहुत दूर रहेंगे। इतनी बड़ी आयत है ये। और ये आयत आयतुल कुर्सी है, अजीम आयत है। कैसा पता चला? एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हज़रत उबैय इब्ने काब एक बड़े मशहूर सहाबी थे, कुरान का इल्म ज़्यादा रखते थे। सहाबा जितने थे रसूल अकरम सल्लम के, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था। अबू बकर को अलग खसूसियत, उमर को अलग खसूसियत, हज़रत उस्मान की अलग खसूसियत, हज़रत अली की अलग खसूसियत, अबू उबैदा बिन जर्राह की अलग खसूसियत, हर एक का अलग अलग मिशन था। यानी रसूल सल्लम को जो अल्लाह ने टीम दी थी, बहुत मजबूत टीम दी थी, हर एक के पास एक अलग अलग सलाहियत दी थी। ये उबैय ने कहा, ये कुरान के दीवाने थे, कुरान के बहुत बड़े उस्ताद थे। रसूल अकरम वसल्लम कुरान के मामले में इन पर एतमाद करते थे। बहुत बड़ी बात है। नबी करीम ने उन सहाबी से पूछा कि मुझे ये बतलाओ, तुमको क्या लगता है कि इस कुरान में सबसे अच्छी आयत कौन सी होगी? रसूल सल्लम पूछ रहे हैं जिनको कुरान नाजिल हो, और कुरान तो कुरान है, कुरान पूरा का पूरा नूर है, पूरी की पूरी हिदायत है। तो कुरान इस जमीन में अल्लाह की रस्सी है, इसमें पढ़ने में अजर भी है, इसमें शिफा भी है, सब कुछ है। रसूल सल्लम सवाल कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि कुरान, इतने सारे कुरान में जो पूरा का पूरा नूर है, इसमें सबसे अजीम आयत, जिस आयत ने इंसान के सारे भलाई के काम जिक्र किए गए हों, जिस आयत ने इंसान के लिए दुनिया आखिरत की सारी भलाइयाँ जिक्र कर गए हों, बहुत अजीम माना रखती है, और कौन सी आयत होगी? सहाबी, वो सारे सहाबा जो रसूल सल्लम का हद दर्जे इहतराम करते थे, हद दर्जे इज्जत करते थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह रसूल आला, एहतराम रसूल सल्लम की एक इज्जत कि नहीं, अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 से 3 मरतबा सवाल किया कि नहीं, तुम्हें जवाब देना ही है, मैं तुम्हें आजमाना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ कि तुम्हारा इल्म यहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तुम कुरान में तदब्बुर करने वाले, कुरान में गौर फिक्र करने वाले, तुम्हें जाना कि नहीं जाना कि इतनी सारी आयतों में सबसे अच्छी अजीम अफजल आयत कौन सी है? तो जब सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ कि जवाब देना ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो जो आयत है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अल हय्युल क्यूम, वो आयत कुरान की सारी आयतों में सबसे अज़म, सबसे बड़ी और सबसे अजीम माना रखने वाली, अपने अंदर इल्म के खजाना छुपे हुई है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शाबाशी दी। रसूल सल्लम कायनात के सबसे अफजल उस्ताद थे, बेहतरीन तरबियत करते थे, शाबाशी दी और कहा कि तुम्हें मुबारक हो इल्म, तुम्हें ये इल्म मुबारक हो कि तुमने जान लिया कि जो चीज़ें जानना इंसान पर क्या ज़रूरी है, इंसान क्या जानेगा तो उसकी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजरेगी, वो शरीयत का इल्म है। दुनिया का इल्म हो सकता है कि बहुत मिल जाए, लेकिन न दुनिया के इल्म में सब्र सिखाया जाता है, ना सब्र मादा कबूल करने का मादा सिखाया जाता है। बस आजकल का दुनिया का इल्म तो सिर्फ मादी है, कैसे भी करके कमाओ, नई पीढ़ी निकल रही है, खलास इंसान फंदा डाल लेता है। आज का जो इल्म चल रहा है, आज जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ चल रही हैं, नौकरी नहीं लगी, खलास हल क्या है, फांसी डाल,
उससे बेहतर तो हम हैं माशाल्लाह। दाना नहीं रहेगा लेकिन अल्लाह की कुदरत पे यकीन है कि अल्लाह भूखा नहीं सुलाएगा, अल्लाह कहीं ना कहीं से भेजेगा, कहीं ना कहीं से राह निकालेगा, उनके पास कोई यकीन नहीं है। तो रसूल ने फरमाया कि यह कुरान का इल्म जो तुमको मालूम पड़ा कि सबसे अजीम आयत है, ये इल्म तुमको बहुत मुबारक हो, ये यकीन, ये तवक्कुल, इस तरह का इल्म तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम कामयाब हो। अब मैं थोड़ी सी शरह करता हूँ कि इस आयत में है क्या। अल्लाह ने आयत की इब्तिदा ऐसे की, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह का माना क्या है? हम हमारे पैदा करने वाले को, हमारे रिज़्क़ देने वाले को, हमारे मौत और हयात, सेहत और शिफा, सेहत और बीमारी सब देने वाले को अल्लाह बोलते हैं। सिर्फ अल्लाह का नाम नाम है क्या? उसका कोई माना भी है? उसका एक माना भी है। उसका माना क्या है? अल्लाह मतलब वो कि जिसको दिल से चाहा जाए, जिसके सामने हाजतें पेश की जाएं, जिसकी याद में रोया जाए, जिससे उम्मीद बांधी जाए, जिससे उम्मीद बांधी जाए, जिस पर तवक्कुल किया जाए, जिससे मांगा जाए, वो जात। अल्लाह मतलब क्या है? अली है या अलहू से है कि जिससे मांगो सोया जाए, जिसके सामने अपनी हाजतें पेश की जाएं, जिसके सामने अपने दुख दर्द सुनाए जाएं, जिसके सामने हाथ फैलाए जाएं, वो अल्लाह। उसका नाम है अल्लाह। माना यह है कि जिससे मांगा जाए, जिसके सामने दुआएं की जाए, जिसके सामने रोया जाए, वो अल्लाह। क्या है वो अल्लाह? ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है। यानी वो अल्लाह जिसको चाहना है, जिससे मांगना है, जिसके सामने गिड़गिड़ाना है, जो हमारे दुआओं का मुस्तहिक है, फिर उसके अलावा और कोई दूसरा माबूद नहीं है। ये एक गहरा माना है, हमें इसको थोड़ी डीप में जाकर समझना है। हम अक्सर मुसलमान क्या समझते हैं भाई? ईमान ये है, इस्लाम ये है कि तुम ये बोलो कि अल्लाह ही राज़िक है, रिज़्क वही देता है, अल्लाह ही मालिक है यानी बादशाह वही है, अल्लाह ही मौत और हयात उसी के हाथ में है, और कोई दूसरा मौत और हयात, सेहत और बीमारी हमको नहीं दे सकता, सब कुछ वही है, और तीसरी चीज़ है कि अल्लाह ही कायनात चला रहा है। अक्सर अक्सर मुसलमान ये कहते हैं कि ये समझ लिए तो इस्लाम मुसलमान हो गए बोलते, लेकिन नहीं, इतना बोलना काफ़ी नहीं है। इसके बाद और एक चीज़ बोलना है जिस आयत जो इस आयत में, उसके बाद क्या बोलना है? बोलना यह है कि जैसे अल्लाह ही राज़िक है, जैसे अल्लाह ही मालिक है, जैसे अल्लाह ही के हाथ में मौत और हयात है, जैसे अल्लाह ही अकेला कायनात चलाता है, ठीक वैसे ही इबादत, इबादत यानी दुआ, नजर नियाज, तवाफ, तवक्कुल, ये सब चीज़ें वही, उस उन सब चीज़ों का वही वही अकेला हकदार है। इन चीज़ों में हम ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या बड़े से बड़े रसूल को, ना किसी बड़े से बड़े फरिश्तों को अल्लाह के साथ इसमें शरीक करें। समझ में आई चीज़? अरे अब तक मुसलमान यही समझते हैं कि मुसलमान होने के लिए ये बोलना है कि अल्लाह ही राज़िक, अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही के हाथ में मौत और हयात, और अल्लाह ही कायनात चलाता है। हम इतना बोल के खामोश हो जाते हैं, रुबूबियत बोल के खामोश हो जाते हैं। नहीं, इतना बोलने से आदमी मुसलमान नहीं होता। उसके बाद एक चीज़ बोलना है कि नहीं, जैसे वह अकेला इन चीज़ों में अकेला है, इबादत भी उसी की होगी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे अफजल है, अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीबी है, अल्लाह उन पर दरूद पढ़ता भी है, अल्लाह ने उनको मेराज कराई भी है, लेकिन उनकी खबर का तवाफ़ नहीं होगा। तवाफ़ किसका हक है? सिर्फ अल्लाह का। रसूल अकरम सल्लम सबसे अजीज, सबसे मोहतरम, उन पर ईमान नहीं लगे तो काफिर, उनसे मोहब्बत नहीं करे तो काफिर, लेकिन उस नबी करीम ने हमको ये सिखलाया है कि इबादत, ये दुआ, ये सिर्फ अल्लाह का हक है, ये सिर्फ अल्लाह का हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर आए, जो चीज़ बताने के लिए दान शहीद फरमाए और फिर खून बहाया, ये बताने के खातिर के ला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो, ये रसूल का दीन है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। आज हम यहाँ तक समझ लिए हैं कि नहीं नहीं अल्लाह ही को राज़िक मालिक बोलो, लेकिन हर्ज नहीं है जाके कहीं भी तवाफ कर सकते हैं, हर्ज नहीं है कि जैसे अल्लाह की कुर्बानी के टाइम पे अल्लाह के नाम पे कुर्बानी किए, किसी और मौसम में किसी और के नाम पे कुर्बानी करो। हर्ज नहीं है कि जमजम पी की तकद्दुस से पी रहे हैं और कहीं के किसी के दर का भी जाके वहाँ की राख चाट लो, कर लो, उस राख को भी मुकद्दस समझो। नहीं, हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि अल्लाह ही अकेला है, इबादत भी उसी की,
इबादत चाहे दिल की हो, यानी दिल की इबादत, अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह से उम्मीद लगाना, उस पर तवक्कुल करना, ये इबादत। इबादत चाहे माल की हो, जैसे नज़्र व नियाज़, सिर्फ अल्लाह के नाम पे दी जाएगी और किसी के नाम पे हर किस नहीं दी जाएगी, और किसी नाम पर एक है नहीं, ये नज़्र व नियाज़ उनके नाम पर करूँगा तो मेरे घर का भला हो जाएगा। घर खुल घर की ओपनिंग के टाइम पे किसी के नाम पे मुर्गी काट रहे हैं, या फिर आज ही मुझे कोई बता रहे थे कि नऊज़ुबिल्लाह आज कैसे अपने अपने को अपने आप को मुसलमान बोलने वाले हैं, जब बोरियल जब बोरी जो बोर के लिए डालते हैं तो नऊज़ुबिल्लाह जिन्हों को खुश करने के लिए मुर्गियां काट रहे हैं। नहीं, ये सब इबादतों का मकदर सिर्फ अकेला अल्लाह, उसके अलावा ये जो इबादत है चाहे माल की इबादत है, ये जुबान ये सब माल की इबादत है, उसका हकदार हकदार सिर्फ अल्लाह है, किसी और के नाम पे हरगिज़ नहीं होगा। हम तो वो हैं जिनको खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने का सिखलाया गया है। रसूल से बढ़कर कौन है? उनके ऊपर दुरूद पढ़ना है। सहाबा इकराम है, उनसे बढ़कर कोई वली है? उनके लिए रज़ी अल्लाह अन्हु की दुआ सिखलाई गई। हमारे अइमा, हमारे बड़े बड़े अइमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुकहा, जो दीन इस्लाम जिनकी कोशिश से दीन हमको पहुंचा है, उनके लिए हम क्या कहते हैं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हमको ये सिखलाया गया है। अगर इनका दीन में कुछ हिस्सा होता, अगर ये इबादतें, अगर हमारी इबादतों के हकदार होते तो उनके लकब गंज बख्श, गौस और दस्तगीर उनके नाम होते। उनके नाम ऐसे हैं, माँ फरमाइएगा, ऐसे नाम के नहीं है, इस्लाम ये नहीं सिखलाता है। तो बढ़िया, ये ज़रूरी है कि हम अल्लाह के लिए क्या करें, कि जैसे वो इबादत का अकेला हकदार है, और तो जैसे वो अकेले खालिक इबादत का भी हकदार वही है। आगे फरमाया कि भाई इबादत क्यों उसी की करना है, क्यों उसी से दुआ करना है, क्यों उसी से मांगना है, क्यों और दूसरे से क्यों नहीं मांगना है? इसलिए कि अल हय्यू, वो हमेशा से है, वो हमेशा से है, वो ऐसा कभी नहीं था कि कभी नहीं था, बाद में आया नहीं। अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा, उसको फना नहीं है, बाकी सब दूसरी चीज सब फना है। बाकी सब कब आए? जब अल्लाह ने उनको पैदा किया है। अल्लाह अकेला है कि जो हमेशा से है, इसलिए वो हमें इबादत का हकदार है। और वो हमेशा से भी कैसा है? हमेशा से भी है तो बहुत अच्छी अच्छी सिफात के साथ, यानी हकीम है वो, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। अलीम है वो, हर चीज़ का उसको इल्म है, कायनात के जर्रे जर्रे का, हर दरख्त का, हर कतरे का, हर कंकर का उसको इल्म है, उसका इल्म हर चीज़ को मोहित है, हर एक के दिल दिमाग को जानता है। वो बड़ा कदीर है, उसको कोई चीज़ आजीज नहीं कर सकती, वो जो चाहे वही होगा, वो हर चीज़ कर सकता है। क्या क्या नहीं हुआ है, आप तारीख पढ़े, हदीस पढ़े, वाकियात हिस्ट्री है, कैसे कैसे वाकियात होते हैं, अल्लाह ताला उसको कैसे फेर देता है। क्यों वही इबादत का हकदार है? क्योंकि वही है जो हमेशा से है, वही है जो हमेशा रहेगा, बाकी उसके अलावा जो भी है वो हमेशा से नहीं है। अल्लाह ने जब पैदा किया तब वो, और हमेशा रहे कोई भी, हमेशा कोई भी रहे हैं नहीं रहे हैं, कोई भी हमेशा नहीं रहे हैं। और अल्लाह ही इबादत का हकदार क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ने आगे फरमाया, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह वो है जिसमें कोई आयब नहीं है, उसको नींद नहीं है, उसको ऊंघ नहीं है, उसको भूख नहीं है, उसको प्यास नहीं है, बाकी उसके अलावा सब में आयब है, सब नींद के मोहताज हैं। नींद नहीं आएगी तो कोई भी दुनिया का इंसान नहीं हुआ कि दो दिन एक साथ तीन तरह से एक साथ जाग ले, नहीं, वो मोहताज है नींद के। भूखे तीन दिन रह सकते हैं लेकिन बाद में भूख उनको सताएगी। तो जो पैदा हुआ, जिसको भूख सताई, जो नींद का मोहताज, वो खुदा नहीं हो सकता, वो अकेला अल्लाह है, वो अकेला इबादत के लायक है कि वो हमेशा से है, वो कयूम है, वो किसी का मोहताज नहीं है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। अगर आप दूसरों के उसको छोड़ कर दूसरे अगर नाम ले, और एक फिर एक बात बता देता हूँ मैं, ये आयतुल कुर्सी की शरह इन दिनों मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ, एक ख़ास वजह से बोल रहा हूँ, एक मैं वजाहत नहीं करना चाह रहा जो आजकल हमारा एक टॉपिक चल रहा है जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि असल में कौन है जिसकी हम इबादत करें, हमारा खुदा, हमारा पैदा करने वाला कौन है, उसको हम समझे। लोगों ने पता नहीं किस किस को बना लिया, लोगों ने पता नहीं किस किस को बना लिया, उसके तरह जो मैं देखे कि अल्लाह अपना ताबर
पैदा होने वाला खुदा या फिर कुछ भी कहलाने के लायक नहीं है, वो नहीं है कि जो दूसरों की जरूरत पूरी करे, जो खुद खाने का मोहताज था वो लायक नहीं हो सकता कि हम उसको खुदा बोलेंगे, गॉड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोले नहीं, वो है हमारी इबादत का हकदार, वो है जो हमेशा से है, जो हमेशा रहेगा, जिसको फना नहीं है, जिसको फना नहीं है, वो अल-क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, जी जमीन व आसमान में जो कुछ है उसका है, वही मालिक है, वो जो चाह रहा है वो रहे, यहाँ पे दो तीन खुदा नहीं है, अलग वो अलग है, अलग है अलग, इनका अलग हुआ अलग है अलग नहीं है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, जमीन व आसमान के में और उसके दरमियान जो कुछ है वो उसका अकेला मालिक है, वो अकेला इसको कंट्रोल करता है, दरमियान में उसको कोई उसके इरादों को चेंज करने वाला या उसको लुकमा देकर करवाने वाला, उसको आर्डर देने वाला नहीं है, यहां तक के मंजल्लजी यशफाउ इन्नहु इला दीनी, किसकी हिम्मत है अल्लाह के पास कि दूसरों की सिफारिश कर सके, आप समझ रहे हैं, यानी अल्लाह ताला ऐसा अकेला है दूसरे शरीक से, अपने हम पल्ले से या उसकी बातों को इनकार करने या आड़े करने या उसको आर्डर देने वालों से ऐसा पाक है, मन दल्लजी यशफाउ इन्नहु इला दीनी, हम यह जुमला बार बार पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, इसका क्या तर्जुमा है, अल्लाह कह रहे कि अल्लाह के पास किसी की हिम्मत नहीं है मुझको बोलने की कि इसको बखस उसको बखस उसको दे इसके दे, नहीं, जो करना मैं करता हूँ, मन दल्लजी यशफाउ इन्नहु इला दीनी, हजरत ये तौहीद है, ये तौहीद उस अकेले को अकेला करना, उस अकेले को उसकी कुदरत में, उसकी शान में, उसकी बड़ाई में अकेला करना, और यही तौहीद जितना आदमी के दिल में दाखिल होगी वो कल उतना ज्यादा जन्नत में ऊंचे ऊंचे दर्जा पर रहेगा, वो अकेला, दुनिया में इंसान तकब्बुर पसंद करता है कि नहीं करता है, इंसान जब एक कुर्सी में जाती है तो इंसान सोचता है कि इस कुर्सी मेरी कुर्सी पर ना आए, कोई दूसरा ना आए, एक इंसान एक दर्जे में पहुंच जाता है तो इंसान चाहता है कि दूसरा कौन एक दर्जे पे ना हो, इंसान तकब्बुर करता है, लेकिन अल्लाह कहता है कि तकब्बुर मेरा है, मैं अकेला हूं, मैं हूं जो पूरी तरीके से अकेला हूं, मेरा कोई किसी तरीके से साझी नहीं है। अक्सर लोगों को जो शैतान ने शिर्क में डाला, इस दुनिया पर डाला कि हम गुनहगार हैं, अल्लाह के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, फलां के पास जाएंगे, वो अल्लाह के करीबी हैं, वो अल्लाह से बात करवाएंगे, वो अल्लाह से मेरी जरूरतें पूरी करवाएंगे, इस आयत में अल्लाह उनका इनकार कर रहा है कि तुम क्यों मुझको छोड़कर दूसरे के पास जाते हो उस तक बात पहुंचाने के लिए, मेरे मैं तो इतना अजीम हूं, इतना बड़ा हूं, मेरी कुदरत, मेरी बड़ाई, मेरा दबदबा ऐसा है कि मेरे पास किसी की हिम्मत नहीं है जुबान खोलने की, हाँ उसी वक्त खोलेंगे जब मैं इजाजत दूंगा, अल्लाह इजाजत देंगे कियामत के दिन, अल्लाह इजाजत देंगे कब, क़ियामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमको मालूम है सबसे बड़ी सिफारिश करेंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिसाब किताब शुरू करने की, जब लोग बहुत थक जाएंगे, परेशान होंगे कि क्या होगा, कैसा हिसाब किताब शुरू करें, अल्लाह ताला किसको जाके बोले, आदम अलैहि सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहि सलाम के पास आएंगे, इब्राहिम अलैहि सलाम के पास, मूसा अलैहि सलाम के पास, ईसा अलैहि सलाम के पास, हर नबी कहेंगे कि नहीं आज अल्लाह बहुत गुस्से में है, आज इतने इसमें तैश में है कि आज तक अल्लाह ताला ऐसे तैश में नहीं था, आज मेरी हिम्मत नहीं है अल्लाह के सामने जाने की, सब लोग फिर आएंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे आना लहा, ठीक है मैं तुम्हारी जरूरत लेके अल्लाह के पास जाता हूँ, नबी सल्लम आके सीधा अल्लाह से सामने नहीं बोलेंगे बल्कि आके सजदा करेंगे, बहुत लंबा सजदा, बहुत ज्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, अल्लाह से सामने गिरेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बहुत ज्यादा जब इल्तिजा करेंगे तब अल्लाह कहेगा कि इरफा रासा, अरे अल्लाह बड़ा है, बहुत अजीम है, ये हमने जो सोच लिया है कि यहाँ पे जाएंगे वहां पे जाएंगे वो बोल देंगे, भाई दुनिया के किसी बड़े आदमी के सामने रोने की जरूरत नहीं होती, मामूली छोटा सा मिनिस्टर होता है तो लोग उसके सामने कुछ बोलने, मिनिस्टर तो छोड़िए हम बड़े बड़े उलमा के सामने जुबान खोलने से थरथराते है कि नहीं है, बड़े से बहुत बड़े आलिम हमारे सामने हो तो हम कुछ भी बोल देते हैं, सोचते हैं हजार बार सोचते हैं कि कौन सा कलमा बोलो, किस तरह की अल्फाज अदा करो, वो तो अल्लाह की शान है जिसके डर से पूरी जमीन आसमान कांपती, जिब्राइल इसराइल सब बेहोश हो जाते हैं जब अल्लाह ताला कुछ बात जिस बात को हुक्म देता है, कहां हमने अल्लाह को रखा है कि नहीं ये भी जाके पहुंचाएंगे, ये भी मां जाके पहुंचाएगी, ये भी झाड़ जाके पहुंचाएगा, और ये भी पता नहीं क्या क्या जाके अल्लाह के पास पहुंचाएंगे, नहीं हमने अल्लाह की कदर नहीं किया, अगर वो ऐसा अकीदा रखते हैं, चूंकि शैतान ने लोगों को इस अकीदे में बहका के रखा है
कि ये जाके पहुंचाएंगे, अल्लाह इसका इनकार कर रहा है, नहीं मेरे पास कोई नहीं पहुंचा सकता, कल क़यामत के दिन इजाज़त से पहुंचाएंगे। मन दल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निही। फिर उसके बाद और सारी चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह ने अपनी कुदरत को गिनाया है जी, अपनी कुदरत को गिनाया है कि देखो मेरी अहमियत को समझो, मेरे मुकाम को समझो। वला यऊदुहू हिफ़्ज़ुहुमा, मन दल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निही। له كان الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم। तुमको क्या क्या जरूरत है, तुमको क्या चाहिए, सब कुछ का इल्म, उसका इल्म बेइंतहा। يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم, पहले पिछले आगे पीछे क्या क्या है सब जानता है, उसके इल्म की कमी नहीं है। वो सब तुम्हारे दिल की भी जानता है, तुम्हारे बाहर की ज़ाहिरी चीज़ें भी जानता है। या अलम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही। हाँ, इंसान को उसके बारे में उतना इल्म जितना अल्लाह ने उनको सिखाया, यानी अल्लाह ने उनको दिखाया कि उस आसमान पर गौर करो, जिस उस अल्लाह पर गौर करो जिसने इस आसमान को बगैर पिलर के खड़ा किया, इस ज़मीन पर गौर करो जो इस भूलचा रोली ज़मीन को किसने अपनी कुदरत से रोक रखा है, किसने पानी को मीठा बनाया, किसने इन मेवों को तुम्हारे खाने के लायक बनाया, इस पर गौर करो। फिर और भी निशानियाँ दिखाई है, साइंस टेक्नोलॉजी उनको बता रही है, लेकिन इस आयत में कह रहा है अल्लाह ताला मेरी कुदरत और भी बड़ी है, मेरी कुदरत ये सिर्फ कहकशां, ये यूनिवर्स नहीं है, इससे भी बढ़कर मेरी बहुत बड़ी कुदरत है। लेकिन तुम उसको इतना ही जानते हो जितना मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जितना नबियों के जरिए, अक्ल के जरिए, इस साइंस के जरिए जितना अल्लाह ने बताया उतना ही जान सकते हैं। अल्लाह की कुदरत और भी बेन किया है, अल्लाह ने कहा कि मैं उसको रोक के रखा हूँ, जितना मैं चाहता हूँ उतना ही तुम जान सकते हो। वैसे आकुर्सी हो समावत हो, फिर अल्लाह कहे कि मेरी कुदरत, मेरी मिल्कियत, वैसे आकुर्सी हो समावत हो, सिर्फ अल्लाह की कुर्सी ये जो है ये पूरी यूनिवर्सल को, पूरे जमीन आसमान और सिर्फ जमीन आसमान मतलब सातों आसमान सातों जमीन, इसके अंदर जो कुछ है उसके अलावा जितने सजारे हैं सबको घेरे। उलमाए कराम कहते हैं कि जो अल्लाह ने कुर्सी बोला ना वो अर्श नहीं, कुर्सी अलग है, अलग है अर्श अलग है। कुर्सी वो है जहाँ पे अल्लाह के खत्म रखने की जगह, फिर अर्श अलग है। अर्श और कुर्सी में इतना फर्क है, कहते हैं कि कुर्सी अर्श के मुकाबले में इतनी छोटी है जैसे एक बड़े मैदान में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा पड़ा, बड़ा मैदान लोहे का छोटा सा टुकड़ा, थोड़ा सा ऐसा पता है, दिख भी नहीं रहा होगा, तो अर्श उतना बड़ा है, उस मुकाबले कुर्सी ऐसी है, फिर उस कुर्सी के मुकाबले में पूरी दुनिया इतनी छोटी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पता नहीं तो फिर अल्लाह की शान कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है। बहरहाल अल्लाह अपनी कुदरत गिना रहा है, अल्लाह ने अर्श का बार बार जिक्र किया है। बादशाह अपनी ताकत दिखाना होते हैं तो अपने अर्श को सोने का, चांदी का और नए कई कई तरह के जवाहरात लाके लगाते हैं। अल्लाह अर्श को करीम भी बोला, अजीम भी बोला, अल्लाह अपना तारुफ कराता है कि मेरा अर्श बड़ा अजीम, बहुत बड़ा अर्श है। बहरहाल ये जो है अल्लाह की एक कुदरत है, अल्लाह का अर्श भी है, कुर्सी भी है, कैसा उसकी शान के मुताबिक, दुनिया के जैसा नहीं, दुनिया के जैसा नहीं, वो उसकी शान के मुताबिक। जैसे अल्लाह सुनने वाला है कैसा, मैं सिर्फ जाहिर सुनूंगा, दिल की नहीं सुनता, लेकिन अल्लाह दिल की सुनता है हर एक की। मैं जाहिर में सिर्फ एक की सुनता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला सारी मखलूक, सारे इंसान, सारे जिन, सारे फरिश्ते, सारे परिंदे चरिंदे और ये पत्ते और ये जर्रे खतरे सब बोलने लगे, अल्लाह इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, उसकी ताकत ऐसी ज्यादा है कि वो हर एक कैसे सुनेगा जैसे एक की सुनता है। हमारा अल्लाह का मुकाबला नहीं है, उसकी जो सिफात है वो अलग है, लेकिन हम उसके कुछ इनकार भी नहीं करेंगे कि नहीं अर्श नहीं है, कुर्सी नहीं है, वो है तो है। वैसे आप कुर्सी अल्लाह ये सब कायनात चला रहा है, सिर्फ जमीन और आसमान नहीं, सारे इंसानों को भी, सारे चरिंदों को भी, सारे परिंदों को भी, सारे जिनों को भी, सारे फरिश्तों को भी, इस तरह के सारे कहकशां चला रहा है, लेकिन उससे थकता नहीं है। क्यों नहीं थकता है? क्योंकि अपनी जात में कामिल है, अपनी जात में वो कामिल है, उसका इल्म कामिल है, उसकी हिम्मत कामिल है, उसकी कुदरत कामिल है, इसलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी थकावट नहीं है। वो अल अलीयुल अजीम, वो अली है, वो अल अलीयुल अजीम, अली, अली मतलब ऊंचा होना, अला का मतलब होता है ऊपर होना। जैसे कि किताब मेज पर है, अल्लाह सबसे ऊंचा है, इसकी तीन माने बहन के लिए, एक तो ये कि हम सब मखलूक से अलग अल्लाह ताला आसमान पर जलवा अफरोज है जी, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। हम वो नहीं कहते कि जो क्या कहते हैं कि अल्लाह कायनात में शामिल है, ये दर्द भी अल्लाह का रूप है, ये समंदर भी अल्लाह का रूप है, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह,
अल्लाह की अपनी एक शान है, अल्लाह की अपनी एक शान है, उसका अपना एक अपनी एक ज़ात है, अल्लाह की ज़ात का इस्तेमाल हुआ है। हम मखलूक हैं और खालिक हैं, हम दोनों एक साथ हरगिज़ नहीं हो सकते, हरगिज़ नहीं हो सकते। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, या ये कि कोई इंसान बहुत बड़ा योगा करते 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 खुदा के दर्जे तक पहुँच जाता है, अल्लाह माफ़ करें, कुछ मुसलमानों के ऐसे अकीदे हैं कि इंसान जाके खुदा में मिल जाता है, कि खुदा इंसान में आके मिल जाता है, वादतुल वजूद के बाद वजूद नहीं। अल्लाह अलग चीज़ है, अलग अलग चीज़ है, हम मखलूक अलग चीज़ है। लेकिन हम जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबीन, जो हमारे मुहद्दिसीन हैं, उन सब का अकीदा है कि अल्लाह हम मखलूक से अलग, हम मखलूक से अलग, ऊपर सबसे ऊपर, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ऊपर अर्श पर जलवा अफरोज है, यह हमारा अकीदा। अली यानी सबसे ऊंचा, एक अली का दूसरा माना यह है कि ताकत के एतबार से, गलबे के एतबार से वो सबसे भारी है, उसको कोई चीज़ आजिज नहीं कर सकती। यानी ऐसा नहीं कि अल्लाह कोई चीज़ करना चाह रहा है तो कोई चीज़ उसको आड़े आ सकती है, नहीं। हमारी चीज़, हम कोई चीज़ सोचने के लिए हज़ार प्लानिंग करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह के लिए प्लानिंग नहीं करना पड़ता, उसका तो कुल फैसला का मामला है। अल्लाह ताकत के एतबार से, गलबे के एतबार से, दबदबे के एतबार से सबसे ऊपर है। और अली का तीसरा मतलब है कि दर्जा, लेवल, मकाम, मर्तबे के लिहाज से अल्लाह सबसे ऊपर, अल्लाह से ऊपर और किसी का मकाम हरगिज़ नहीं, अल्लाह से ऊपर और किसी का मकाम हरगिज़ नहीं। इसको तो हर इंसान मानते हैं, हर मुसलमान मानता है कि अल्लाह से ऊपर, अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं है। यही माना जब हम कहते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह हर लिहाज से, हर माने में वो सबसे ऊँचा है, उससे ऊपर ऊँचा, ताकत के लिहाज से हो ऊँचे, उससे ऊँचा, दबदबे के लिहाज से हो उससे ऊँचा, ऊपरी के लिहाज से हो कोई भी नहीं है। वो इन सब चीज़ों में अकेला है। अल अज़ीम, वो बड़ा है, वो बड़ा है, बड़ा हर एक के दिल में, हर एक के दिल में। हमारे रसूल कैसे अल्लाह से मोहब्बत करते थे, कैसा उसकी मोहब्बत में रोते थे, सहाबा किराम अल्लाह के लिए कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी, अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं तो, अल्लाह को अपने दिल में बड़ा मानते ही तो, हम भी अपने दिल में अल्लाह को इतना बड़ा बनाना है कि अल्लाह की मोहब्बत हमको गुनाहों से रोके, अल्लाह की मोहब्बत हमको नेकियों पर उभारे। वो बड़ा है हर एक के दिल में और हकीकत में भी, उससे बड़ा और कोई नहीं है। हजरत, ये है हमारा रब्बुल आलमीन जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक चलता फिरता इंसान, हर तरह की सेहत वाला इंसान बनाया। वो अल्लाह है जिसने हमें माँ बाप अता फरमाया, वो अल्लाह है जिसने हमें बीवी बच्चे अता फरमाया, वो अल्लाह है जिसने ये हमारे लिए हवा, ये पानी और ये सारी चीज़ें पैदा की हैं। वो रहमान है, वो रहीम है, ये अल्लाह की सिफात है, उसको हमें जानना, उससे मोहब्बत करना और इन सब चीज़ों में उसके साथ और किसी चीज़ को इसको शरीक ना करना, ये चीज़ हमें समझ, हमें इस चीज़ को समझना है, हमें अल्लाह को पहचानना है और अल्लाह को किसी माने में किसी तरह से उसे कोई शरीक नहीं ठहराना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह की सही कदर करने की तौफीक अता फरमाए, उसकी सही ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, उसका नेक बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, उसकी नाफरमानियों से बचाएँ, और जो कुछ छोटी मोटी नाफरमानियाँ हो रही हैं अल्लाह अपने फ़ज़्ल करम से उसको माफ़ फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।